अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरा नाम माविश है और मैं तबस्सुम मैडम के शेल्टर होम में रहती हूँ और उन्हीं के एनजीओ स्कूल में पढ़ाती भी हूँ और मैं बहुत जिम्मेदार हूँ। मैंने तबस्सुम से कहा था कि मुझे अपने पोते को संभालने के लिए किसी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत है जो हमारे पास गवर्नेंस के तौर पर रह सके। जी जी मैडम, मैं बहुत समझदार हूँ, इतनी समझदार हूँ कभी कभी तो मेरी दोस्तें हैं ना वो कहती हैं कि मुझे आइंस्टाइन होना चाहिए था। तो मिस आइंस्टाइन, कितनी तालीम है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन किया, फर्स्ट डिविजन। वेल डन। और तबस्सुम के शेल्टर होम में कब से रह रही हो? बचपन से। एक्चुअली मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरे मामा और बाबा गुजर गए, बहन भाई कोई था नहीं और रिश्तेदारों ने सर पे हाथ रखने से साफ इनकार कर दिया। मुझे तो ये भी नहीं याद कि तबस्सुम मैडम के शेल्टर होम में मुझे मेरे मामू छोड़ के गए थे या चाचा। बचपन फिर लड़कपन उसी शेल्टर होम में गुजर गया, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद। रुक क्यों गई, क्या हुआ ग्रेजुएशन के बाद? मेरी शादी हुई थी मैडम। तबस्सुम ने नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हुई भी है? मैंने उनको मना किया है किसी को बताने से, बस यूं समझ लें कि मेरी जिंदगी में मजीद तनहा सफर करना लिखा था, इसीलिए शादी के 2 साल बाद मेरी तलाक हो गई। I'm really sorry, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अफसोस? लेकिन मैडम मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं। अब देखें ना, जो मेरा था ही नहीं उसके जाने का कैसा अफसोस। बस अब ऐसे ही जिंदगी गुजर रही, लेकिन मजे में। मुझे ख्वाब देखना बहुत अच्छा लगता है और बच्चों से खेलना, खूब सारी मस्ती करना, अब बच्चों को पढ़ाना, और बच्चे जो है ना स्कूल के, उनकी तो मैं बिल्कुल फेवरेट हूँ। उनको सिर्फ मुझसे ही पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब मिस माविश करते करते मेरे पीछे पीछे आते रहते हैं, और जो दूसरी टीचर्स है ना स्कूल में सारी, वो तो मुझसे इतना जेलस होती है मैं आपको क्या बताऊं। चलो अब मैं तुम्हें अपने घर के बारे में बता दूं। हम घर में 3 लोग हैं, मैं, मेरा बेटा बहराम और मेरा पोता अरहम। बहराम आजकल पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है, कल तक आ जाएगा। कुछ अर्सा पहले उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था, तब अरहम बहुत छोटा था। मैं उसको संभाल लेती मगर कई साल पहले एक एक्सीडेंट में मुझे स्पाइनल इंजरी हुई थी, तब से मैं इस व्हीलचेयर में हूँ। सो सॉरी। इसलिए अरहम के पीछे पीछे नहीं भाग सकती, मैं ये चाहती थी कि कोई गवर्नेस हमारे साथ दिन रात रहे, क्योंकि अब अरहम बड़ा हो रहा है तो उसको पाँव लग गए हैं। डोंट वरी मैडम, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपके अरहम का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और आपका भी। तो मेरा ख्याल है कि तुम अरहम से मिल लो, वो यहाँ किचन की तरफ है। जी दादी ने आपको बताया तो होगा ना? और क्या बताया होगा? ये कि एक अच्छी सी आंटी आने वाली है आपका ख्याल रखने के लिए। क्या आपको इस औरत दादी? क्या बात कर रहे हो अरहम, मैं तो रहती कहानियों की दुनिया में हूँ, मुझे इतनी स्टोरीज आती हैं कि आप सुन सुन के थक जाओगे। वाह, आप तो जीनियस हैं। आप
आपने चीटिंग की है, आपने कलर बदला है। सॉरी। अरुण बेटा, आज स्कूल कैसा था आपका? गुड, मैंने होमवर्क कर लिया। वेल डन। अम्मी, ये हलवा किसने बनाया? गुजार ने? नहीं, महाविश ने। महाविश कौन? मैंने कुछ दिन पहले अपनी जानने वाली से कहा था कि मुझे अरहम के लिए एक गवर्नेस चाहिए जो इसका ख्याल रख सके, इसको पढ़ा सके, समवन लाइक अ स्कूल टीचर। तो उन्होंने आज महाविश को भिजवाया, मैंने उसका इंटरव्यू लिया है। बहुत समझदार लड़की है और बहुत प्यारी है। वो तो हलवे से अंदाजा हो गया होगा तुम्हें। अम्मी, क्या हो गया आपको? मतलब हलवा बनाने में और अरहम का ख्याल रखने में जमीन आसमान का फर्क है। एटलीस्ट मुझसे पूछ तो लिया होता आपने। क्यों, तुम्हें पालने के लिए तुमसे मशवरा किया था? अम्मी, जो भी है, अरहम का जो भी ख्याल रखेगा, that person needs to be perfect. उसकी पर्सनैलिटी सही होनी चाहिए, ये उससे डिसिप्लिन होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये लड़की इस काम के लिए परफेक्ट है। बहुत खुश मिजाज है, सादा दिल की है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। झूठ बिल्कुल नहीं बोलती, जिस बात से तुम्हें नफरत है। Give her a chance. I'm sure she'll be fine. क्यों अरहम, आप बताओ पापा को। जी। अम्मी, please leave him out of this. इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, हलवा तो खा लो, इससे क्या नाराजगी है? वैसे बहुत ही सड़ियल हो गए हो तुम्हें जरूरत है कुछ मिठास की जिंदगी में। मैं आराम की तरफ फेंक रही हूँ, फेंक रही हूँ, फेंक रही हूँ, फेंक रही हूँ। अरहम, चलो अंदर, चलो। इस घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अंदर शोर मचाना बदतमीजी और बदतहजीबी समझा जाता है। पढ़े नहीं तुमने? बहराम, क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अम्मी, आप जानती हैं कि मुझे अनडिसिप्लिन्ड लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन बबल्स उड़ाने के लिए डिसिप्लिन थोड़ी चाहिए होता है। मतलब वो तो ऐसे दौड़ लगा के पकड़ते हैं, उड़ाते हैं, और बबल्स उड़ाना ना ही कोई जुर्म है और ना ही कोई बुरी बात। अम्मी, आपने वो व्हाट्सएप मैसेज नहीं शेयर किया ना इसके साथ, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं इस घर के? किया था मैडम ने, मैं रट्टा लगा के याद भी किया था। एक दफा फिर से रट्टा लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सही तरह समझ आई। बहराम, गिव हर अ चांस, अभी वो नई नई तो आई है, थोड़ा वक्त दो, वो सब कुछ सीख जाएगी, समझ जाएगी। किताब जाके तैयार हो, 10 मिनट में हम स्कूल के लिए निकलने हैं। चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जाओ ऊपर चलो। शाबाश। मैडम, ये सर एंटी क्लॉकवाइज क्यों चल? मेरा मतलब इतने रूल्स, इतनी रेगुलेशंस, सॉरी टू से, खुद को ही नहीं बल्कि अरहम समेत पूरे घर को ना एक रोबोट बना के रखा हुआ है उन्होंने। क्यों है ऐसे? बहराम के वालिद भी ऐसे ही थे, ये डिसिप्लिन उसको विरासत में मिला है। तो आपने एक साथ दो दो लोगों को कैसे भुगता? मेरा मतलब परेशानी हुई होगी ना। जो लोग
कई दफा जबान के तल्ख और सख्त होते हैं ना, उनके दिल बहुत नरम होते हैं। और बहराम ऐसा ही है, मोम का दिल है उसका। तुम उसकी डांट को सीरियसली मत लेना, किसी बात का बुरा मत मनाना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सर की किसी बात का बुरा नहीं मानती। इनफैक्ट ये जो जिंदगी की छोटी मोटी तल्ख बातें होती है ना, मैं इनको सीरियसली लेती ही नहीं, वरना जिंदगी आपको सीरियसली लेना शुरू कर देती। बहुत अच्छा करती हो। जिंदगी में डिसिप्लिन अच्छा होता है, मगर ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट को कौन समझाए। ख्वाबों के दरवाजे खुलते ही जाते हैं, एक दूसरे में उतरते ही जाते हैं, बेहोश के दायरे बनते जाते हैं, दिल को हुई राह में मिलते जाते हैं। पसंद करने लगे। I love you।
What? हाँ, जानती हूँ थोड़े से खड़ूस है और गुस्से वाले भी। अगर कोई बात, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम सुन रही हो कि तुम क्या कह रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बगैर पूछे मेरे कमरे में आई, ऊपर से मेरी चीजों को हाथ लगा रही हो तुम? How dare you? नहीं सर, मैं किताब लेनी, मैं किताब लेना, तस्वीर गिरी हुई मिली तो टूट गई थी जोड़ सर। मैं तुमने अंदर कमरे में क्या बोला? हाँ? मैंने तो कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो, मुझे झूठ से और झूठ बोलने वालों से नफरत है, समझी तुम? और जो कुछ तुमने कमरे में कहा ना, मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया। क्या सुन लिया आपने? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आपने क्या समझ लिया? वो तो मैं आपका मेरा मतलब है, मैं कुछ अपना ऐसी ख्वाब देख रही थी तो वो जो कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है इसे सोचना बंद कर दो। आई डोंट लाइक इट। सोचने पर तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती ना। मेरे घर में आई, लेकिन करीब आने की जरूरत मत करना। मोहब्बत करने लगी मैं आपसे। और मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना, अब कब हुई, कैसे हो गई मुझे नहीं पता, बस हो गई। शायद आप दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिस तरीके से मैं हूँ, तो इसलिए हो गई। और ये जो आप गुस्सा, मेरा मतलब आपके चेहरे पे जो एक एक्सप्रेशन ऐसे रहता है, ये मुझे अच्छा लगता है। डांट तो मेरे बेटे की केयर टेकर हो, उसके अलावा कुछ भी। और अगर मेरे बेटे को इस्तेमाल करके मेरे करीब आने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, दूसरी दफा सोचूंगा भी नहीं। हाँ तो निकाल दे, आप निकाल दें, मोहब्बत तो नहीं निकलेगी ना दिल से। देखिए मैं सर आपको बताना चाहती हूँ, सो मैंने बता दी। और सर सर जरूरी नहीं जिस तरह मैं सोचती हूँ उस तरह आप भी सोचें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। लोग तो कहते हैं सब ही सोचते हैं, लोग कहते हैं बड़ा कड़ियल है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हशर कर दिया तुमने मेरे बच्चे का? उसको इतनी मुश्किलों से हमने डिसिप्लिन किया और तुम उसे रोज तोड़ना सिखा रही हो? इसको कौन? ये मेरा आइडिया था बाबू। चुप, से तो मैं बाद में बात करता हूं ना। जसके राव रफी, तुम निकलो यहां से, जाओ यहां से। और अम्मी आप इनके साथ मिलके बच्चा बन गई? हाँ तो हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है और वो बच्चा जिंदा रहना चाहिए। जिंदगी इतनी सख्ती के साथ नहीं गुजरती बहराम। क्या गलत किया उसने? हम सबका प्लान था, खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। पता होता कि तुम जल्दी वापस आ जाओगे तो शायद ये एंजॉयमेंट का प्लान ही कैंसिल कर देते। I'm sorry sir। चुप रहो, एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता तुमसे। तुमने इस घर का माहौल खराब किया, मेरे बच्चे को बिगाड़ रही हो तुम। मैं तुम्हें एक और पल इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिसके राव रुफिया, बल्कि अभी इसी वक्त। सर लीव,
I want you out of this house by tonight. Chalo, you go. हाथ धोती सफदर आके कमरा साफ करो। अभी तक यहाँ क्या कर रही है? गाय क्यों? वो मैं शेल्टर होम तो छोड़ चुकी हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा प्रॉब्लम है कि अपने दिल में ना सही तो अपने घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे दे, मुझे अरहम के साथ रहने दे। अरहम का नाम मत लो। मैं जानती हूँ मैं अरहम की सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ख्याल रखती हूँ उसका। और वो जो आपने देखा वो मेरी गलती नहीं थी, वो बस हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई प्रॉमिस, प्लीज लास्ट चांस, सॉरी, प्लीज सॉरी सॉरी। ठीक है, लेकिन मुझे कोई मजीद तमाशा नहीं चाहिए अपने घर में। दिस इज योर लास्ट वार्निंग। तो आपने मुझे माफ कर दिया? इधर साइड पे कहाँ गए? ये अम्मी, ये मेरी जैकेट पे बुर आ रही है, ये ठीक हो सकता है? हाँ, मावेश, मावेश जी, वो कैबिनेट में ना वहाँ पर वो रोलर रखा हुआ है, लिंट रिमूवर, वो जरा निकाल के ना उसकी जैकेट की बुर साफ कर दो। मेहराम, जिंदगी का सफर बहुत लंबा होता है, अकेले काटना बहुत मुश्किल है। हर इंसान को किसी ना किसी हमसफर की जरूरत होती है। मान लो मेरी बात, कर लो शादी। अम्मी, हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं ना, और आपने कहा था कि हम आइंदा नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ कहा था, पत्थर पर लकीर तो नहीं खींची थी। तुमने कभी ये सोचा कि मैं ना रही, तुम ना रहे तो अरहम का क्या होगा? वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा बहराम। प्लीज ऐसी बातें मत करना। और आपको मेरा जवाब पता है पहले? तुम्हारा जवाब मुझे पता है, और तुम्हारी मालूमात में इजाफा करने के लिए मैं ये बता रही हूँ कि मैंने तो लड़की पसंद कर ली है। कौन है? आसपास ही है, बहुत अच्छी है, मेरा भी ख्याल रखती है, अरहम को बहुत प्यार करती है, और मैंने देखा है जब तुम उसकी तरफ देखते हो। वो अम्मी से मेरी बात हुई तो शादी के बारे में, और उन्होंने फाइनली मुझे कन्विंस कर दिया। वाओ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा डिसीजन है, मैं दुआ करूंगी आपके। हाँ हाँ, लेकिन डिसीजन इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि
भाभी, मैं जिस लड़की से भी शादी करूंगा वो अरम को बिल्कुल वैसे ही प्यार करे जिस तरह सवेरा अरम को प्यार करती। इस वजह से मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं शादी करूंगा। पूछोगी नहीं कौन है? आप खुद ही बता दो। खुद ही बता दो? अच्छा ठीक है, खुद ही बता देता हूँ। ये लड़की वो लड़की है जो मेरे घर में आई और जबरदस्ती उसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया। सारे रूल्स तोड़ कर खुश होने। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा मेरा कोई भी नहीं है, ना कोई था, बस मेरे ख्वाब थे मेरे अपने। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ एक ही ख्वाब देखा था कि बहुत बड़ा महल हो और उस महल की मलका मैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज वो ख्वाब सच्चा हो गया। मेरे जितने भी दुख दर्द थे, जो कुछ भी था, मैं सब भूल गई। मरने के बाद भी मुझे खुशी याद रहेगी। थैंक यू। थैंक यू। मुझे नहीं लगता था कि सवेरा के बाद किसी को भी अपने दिल में जगा दे। बहुत प्यार करते थे ना आप उनसे। हाँ। और तू? अम्मी ने मुझे तुम्हारे पास के बारे में सब कुछ बता दिया। सिर्फ इतना कहूंगा कि वो उस इंसान की बदकिस्मती थी कि उसने तुम जैसा साथी खो दिया। बदकिस्मत वो नहीं था, बदकिस्मत तो मैं थी। क्या? बस मैं मां नहीं बन सकती और उससे ही बात एक्सेप्ट नहीं की गई। तो मां नहीं बन सकती? क्या क्या मतलब? हाँ, मैं कभी मां नहीं बन सकती, इसीलिए तो शादी के 2 साल बाद मेरी तलाक हो गई थी। मां नहीं बन सकती? तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? ये जानते हुए कि मुझे नफरत है उन लोगों से जो झूठ बोलते हैं, और झूठ से तुमने मुझे ये बात छुपाई, इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, अम्मी से। मैं तो कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कब छुपाई? तो ये और क्या है कि तुमने कहा कि तुम्हारी तलाक हुई भी, ये तो आधा सच था ना? किस वजह से हुई ये तो नहीं तुमने बताया? नहीं, वो आंटी ने कभी मुझसे पूछा ही नहीं, इसीलिए मैंने बताया नहीं। इतनी सी बात पे आप क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हो? इतनी सी बात है? ये इतनी सी बात है कि तुम्हारी औलाद नहीं हो सकती? लेकिन औलाद तो है ना। अरहम? अरहम मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा नहीं है। तो बांझो बस। खबरदार, जो आइंदा किसी भी लड़की को बांझ बोले, बांझो ना, किसी लड़की की मर्जी नहीं होती है, उसकी मजबूरी होती है। मुझे परफेक्शन चाहिए। And you're not perfect. Join us. मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया था, बगैर कुछ सोचे समझे, सिर्फ आपको चाहा था।
ये भूल गई थी कि आप कितने पत्थर दिल बेरहम इंसान है, जिसके दिल में ना प्यार है ना किसी के लिए एहसास। आपके उसूल तो बहुत बड़े हैं सर, अगर आपकी सोच बहुत छोटी है। आज मेरी कुछ मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊंगा तो अरम को टाइम से सुला दूं। बचपन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी में बहुत सी कमियां थी, माँ बाप की कमी, खुशियों की कमी, घर की कमी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर भी एक कमी होगी। लेकिन मैं फिर भी जीती रही इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन मेरी जिंदगी जन्नत जरूर बनेगी। मैडम, आपके रूप में मुझे अपनी मां मिल गई। और अरहम ने मेरी मां बनने की कमी को भी पूरा कर दिया। और अगर कोई और रिश्ता होता तो वो सर जैसा होगा। मैडम, मैंने कहीं पर सुना था कि कभी कभी बेनाम रिश्ते आपके जीने की वजह बन जाते हैं। सब मेरे लिए वो वजह है। चलती मत रुक जाओ ना बहराम। मैडम प्लीज, पत्थर कभी सोना नहीं बन सकता। अम्मी, आई एम रनिंग लेट, ऑफिस आ रहा हूं। बहराम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें ये कहूंगी। आई वॉज ऑलवेज सो प्राउड ऑफ यू, बट नाउ आई एम सो डिसअपॉइंटेड। तुमसे इम्परफेक्शन बर्दाश्त नहीं होती है ना, तो फिर ये अपनी माँ को कैसे बर्दाश्त करते हो? क्योंकि मैंने माजूर होने के बावजूद कभी अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दिया, और ना ही तुम्हारे बाबा ने कभी मुझे एहसास दिलाया कि मैं इम्परफेक्ट हूँ या नामुकम्मल हूँ। मगर आज तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि मेरी तो तरबियत ही इम्परफेक्ट है, इसीलिए तुमने इतनी आसानी से एक लड़की को बांझ कहकर धुतकार दिया। हाउ कुड यू, इतना पढ़ने लिखने के बावजूद क्या तुम नहीं जानते कि औलाद होना ना या ना होना किसी इंसान के इख्तियार में नहीं होता? और तुमने एक औरत को बांझ होने का ताना दिया, उसे नामुकम्मल कहा। तुम जो हर वक्त परफेक्शन की तलाश में रहते हो, तो मेरी ये बात याद रखो, इंसान नामुकम्मल ही होता है। मुकम्मल जात सिर्फ अल्लाह की है, परफेक्ट सिर्फ वो है। इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है, और तुम जो अपने आप को मिस्टर परफेक्ट समझते हो, कभी सोचो अपने बारे में, क्या हो तुम? एक रोबोट? हर चीज तुम्हारी मर्जी से हो, सब कुछ तुम्हारे टाइम टेबल से हो, हर कोई तुम्हारे हिसाब से चले? यू आर जस्ट अ सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ इन्वॉल्व्ड, खुद गर्ज रोबोट। इंसान ऐसे नहीं होते। वो लड़की इंसान है जो हंसती है, बोलती है, प्यार करना जानती है, खुशियां बांटना जानती है। शायद यही उसकी खामी है कि वो अपनी जात के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चाहती है, वो मोहब्बत करना चाहती है, मोहब्बत मांगती है। उसे रोक लो बहना, उससे जीना सीखो। आज वो चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। रोक लो।
क्या हुआ? अभी तक गए नहीं तुम? इस घर से ऐसा दिल का रिश्ता जुड़ चुका है कि छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। तो क्या सोचे, कहाँ जाओगे? पतन, शेल्टर होम तो आपको पता है छोड़ चुकी हूँ, और अब तो रहने का कोई ठिकाना नहीं। वैसे ये मेरा मसला तो नहीं है, लेकिन फिर एक जगह है मेरे पास जहाँ तुम जा सकती हो। कहाँ? इस घर में, मेरे दिल में। उसके दिल का रिश्ता जो तुमने बनाया हमेशा कायम रहे, प्लीज मुझे माफ कर दो। सोचूंगी। अच्छा ठीक है, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे क्या कर रहे हैं आप, उठिए ना सर, आप थक जाएंगे। माफ तो करो सर, मेरा मतलब उठिए ना प्लीज, उठ जाइए उठ जाइए। आ जाओ। अच्छा तो अपने बेटे को भूल गई आप? बुला लो, आ जाओ। जीते रहो, खुश रहो, तो हमेशा बात होगा।